A very good morning one and all. My name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. जैसा कि अपन पिछले लेक्चर में नाम को कवर कर चुके हैं, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि अगले लेक्चर में अपन एडजेक्टिव को लेंगे, तो आज अपना जो लेक्चर है एडजेक्टिव में है, इसमें अपन एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, कैसे उसको पहचानते हैं। मात्र 5 सेकंड में आप एडजेक्टिव को पहचान पाओगे, 5 सेकंड में एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, उसके मस्त वाला रिदम है। जैसे मैंने नाउन में बताया था कि नाउन में जैसे मैंने बताया था तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर करके नाउन पता करते हैं, सिमिलरली वैसे ही एडजेक्टिव में भी एक ट्रिक है, बहुत ईजी मेथड है, उससे अपन एडजेक्टिव को पता करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को अपन ने जो है तीन पार्ट में पार्ट देते हैं इसको। पहला है डेफिनेशन और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। ऐसा करते हैं अपन दो पार्ट बनाते, ताकि इसमें मैं दोनों बता दूंगा, यूज और आइडेंटिफिकेशन में दोनों बता दूंगा इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, बस इतना सा है कि जो नाउन है ना उसकी विशेषता बताती है एडजेक्टिव। नाउन की जो भी वर्ड विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होएगा, चाहे वो कोई सा भी वर्ड हो, अगर वो नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के आगे लिखा हुआ है, तो वो एडजेक्टिव है। क्या करता है नाउन? नाउन के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, किसी कोई भी नाउन जो जिसके अंदर अगर क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी की जो उसकी पहचान कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, जो क्वालिटी है उसको बता रहा है कि इसके अंदर एक क्वालिटी है, तो जो वर्ड बता रहा है ना वो चीज एडजेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कोई एक लड़का है, बॉय, ठीक है, उसके अंदर क्या है, वो काफी इंटेलिजेंसी है उसके अंदर। उसके अंदर क्या है, काफी इंटेलिजेंसी है, जैसे वो काफी स्मार्टनेस है उसके अंदर। क्या है उसके अंदर? काफी स्मार्टनेस है। क्या है? स्मार्टनेस है। तो उसके अंदर क्या है? स्मार्ट, उसके अंदर काफी स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस क्या है? नाउन है। एक क्वालिटी ना, मैंने नाउन में बताया था क्वालिटीज क्या होती है, नाउन होती है, तो एक नाउन है, उसके अंदर स्मार्टनेस है। अभी स्मार्टनेस वर्ड का जो इसको क्वालिफाई करेगा, जो इसको बताएगा ना कौन सा वर्ड स्मार्टनेस को बताएगा, जो वर्ड इस स्मार्टनेस वर्ड की जानकारी देता है, जो वर्ड इस स्मार्टनेस वर्ड की जानकारी देगा वही एडजेक्टिव होगा। क्योंकि वही एडजेक्टिव होगा, तो कौन सा वर्ड इसकी जानकारी देगा? स्मार्ट वर्ड इस स्मार्टनेस की जानकारी दे रहा है, ये वर्ड दे रहा है ना। कोई किसी भी के अंदर स्मार्टनेस है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्मार्ट बॉय। कोई अगर इंटेलिजेंट है, कोई अगर किसी के अंदर इंटेलिजेंसी है तो क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट बॉय। किसी लड़की के अंदर ब्यूटी है, सुंदरता है, तो क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल गर्ल। सिमिलरली गर्ल के लिए भी दे रहे थे, उसके अंदर क्या है? ब्यूटी है। अभी ब्यूटी क्या है? नाउन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सभी क्वालिटीज नाउन होती है, तो अब इस ब्यूटी वर्ड की जानकारी कौन सा वर्ड देगा? ब्यूटीफुल वर्ड इस वर्ड की जानकारी देगा, इस जो नाउन है इसकी जानकारी ब्यूटीफुल देगा, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। और सिमिलरली ये भी क्या है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है। ठीक है, जो भी वर्ड किसी भी नाउन की जो क्वालिटी है उसकी अगर जानकारी दे, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड ब्यूटी की जानकारी दे रहा है, स्मार्टनेस की जानकारी स्मार्ट दे रहा है। ठीक है, तो जो भी वर्ड नाउन की विशेषता बताया, सिमिलर आप ऐसे समझ लो कि ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये जो वर्ड है स्मार्ट, इसकी विशेषता तो बता रहा है, नहीं बता रहा बॉय कैसा बॉय। यहाँ से क्वेश्चन पूछो हाउ कैसा, हाउ से क्वेश्चन पूछने पर अगर जो भी वर्ड आपको जवाब देता है ना, वही वर्ड एडजेक्टिव होता है। कैसा बॉय? स्मार्ट बॉय। कैसी गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल। कैसा लड़का? इंटेलिजेंट लड़का। कैसा लड़का? अमीर लड़का। कैसा लड़की? ब्यूटीफुल लड़की। कैसा आदमी? होनेस्ट आदमी। ये सब जो भी जवाब दे रहे हैं हाउ से क्वेश्चन पूछने पर, वो सब एडजेक्टिव है। या फिर ऐसे समझ लो, एक और जो भी नाउन के आगे लिखा हो अगर उसकी विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है। या फिर ऐसे समझ लो, नाउन के अंदर जो क्वालिटीज है उसकी जो जानकारी दे रहा है वो एडजेक्टिव। तीन बता दी मैंने, नाउन के अंदर जो क्वालिटीज है उसके अगर कोई वर्ड जानकारी देता है तो वो एडजेक्टिव है। दूसरा, नाउन के आगे जो लिखा हुआ है अगर वो उसकी विशेषता बता रहा है तो भी एडजेक्टिव। ठीक है, कैसे भी ले लो, आपको जैसे सही लगे, बस आपको पहचान आना चाहिए एडजेक्टिव क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन, पहचानते कैसे। जैसे मैंने डेफिनेशन में इसको पहचाना मैंने दे वैसे, लेकिन अपन आइडेंटिफिकेशन के लिए भी अलग से मेथड है। मेथड वही है जैसे अपन नाउन में देखा था कि तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर करके अपन नाउन पहचानते थे,
जिस किसी ने अगर नाम का वीडियो नहीं देखा हो, अगर उसको जानना हो मात्र 5 सेकंड में, तो नाम का वीडियो जाके देखे पहले, ठीक है। आज भाई एडजेक्टिव में करेंगे, एडजेक्टिव के लिए मात्र 5 सेकंड की ट्रिक है। 5 सेकंड में एक्चुअली 2 सेकंड है, कितने सेकंड है, 2 सेकंड है। क्या ट्रिक है उसमें, कहता तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर नाम के लिए। इसमें क्या है, तुम गुड़ो तुम बेड़ो, क्या है तुम गुड़ो तुम बेड़ो, ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक में एक्चुअली कंसेप्ट है, 99% यही लगेगा, आपको पहचान आ जाएगा इससे। क्या है तुम गुड़ो तुम बेड़ो, मैं लिख देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे करते हैं, जैसे आप लिखता हूँ गुड बॉय बेड गर्ल, मैंने दो एग्जांपल लिख लिए, ठीक है। इसको मैं पहले बता देता हूँ कैसे। इसमें फिर अपन देख लेते हैं ये क्या है, बॉय नाउन है, गर्ल क्या है नाउन है, बॉय और गर्ल और बॉय को अपन छू सकते हैं तो भी नाउन है। अभी जो वर्ड है गुड और बेड, मैंने पिछले भी जस्ट पहले बताया डेफिनेशन में, जो भी वर्ड नाम की विशेषता बताया वो एडजेक्टिव है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। अब कोई सा वर्ड ले रहा, जैसे पता करना है कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट नाउन, कॉन्फिडेंट क्या है ये एडजेक्टिव है, मुझे पता है आपको नहीं पता, बताता हूँ कैसे पता करते हैं। रिदम बनाओ, रिदम क्या बनाना है, तुम गुड़ हो तुम बेड़ हो, ये रिदम बोलो, बार बार बोलो तुम गुड़ो तुम बेड़ो, तुम गुड़ो तुम बेड़ो, तुम गुड़ो तुम बेड़ो, किसी के साथ अगला ले लो, तुम गुड़ो तुम बेड़ो तुम कॉन्फिडेंट हो। अगर बोलने में सही लगा, अगर आपको बोलने में सही लगा ये तुम गुड़ो तुम बेड़ो तुम कॉन्फिडेंट हो, बोलने में सही लगा, तो ये जो कॉन्फिडेंट है ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, पता चल गया ना। बस इतने से ही तुम गुड़ो तुम बेड़ो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर बोलने में सही लगे, अगर नॉर्मली अपन डेली लाइफ में अगर बोलते हैं इस वर्ड को, तो ये जो कॉन्फिडेंट है ये एडजेक्टिव है। अगला देख लेते हैं पुअर, पुअर नाउन है एडजेक्टिव है क्या है पता करते हैं। एडजेक्टिव लिखे से पता करेंगे, बोलो क्या है, तुम गुड़ हो तुम बेड़ हो तुम पुअर हो, बोलने में से लगा, बोलते भी हैं, या तो पुअर है तू गरीब है तो अमीर है, बोलते भी ना, तो क्या हो जाएगा ये भी एडजेक्टिव है ना। रिच कर लेते, तुम गुड़ो तुम बेड़ो तुम रिच हो, रिच क्या है एडजेक्टिव। तुम गुड़ हो तुम बेड़ो तुम कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट क्या है एडजेक्टिव, पता चल रहा है आराम से। ऐसे ऐसे ही पूरा एडजेक्टिव है, इतना सही एडजेक्टिव है, बस आपको पहचानना चाहिए, ये रिदम पता होना चाहिए, तुम गुड़ो तुम बेड़ो तुम बोलो तुम बेड़ो, अगला वाला बोल दो जिसका पता करना है, बस इतना सब। कहीं भी अटक रहे हो, किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वहाँ पे नाउन लिखी हुई है, उसके आगे जस्ट कुछ ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, तो वहाँ पे एडजेक्टिव आता है नॉर्मली। ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ पे आपको पहचान है जो भी वर्ड लिखे हुए हैं कि यार यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, आपको देखना है कि कौन सा इनमें एडजेक्टिव है, उन सारे वर्ड को तुम बोलो तुम बेड़ के साथ जोड़ के देख लो। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है पुअर, तो तुम बोलो तुम बेड़ो तुम पुअर हो, बोलने में सही लगा, तो वहाँ पे पुअर ही सही ऑप्शन होगा। वहाँ पे अगर कॉन्फिडेंट लिखा हो तो तुम बोलो तुम बेड़ो तुम कॉन्फिडेंट हो, तो कॉन्फिडेंट ही एडजेक्टिव होगा। समझ में आ रहा है आपको। अब मैं नाउन पेन बताया था, नाउन इसका इसका नाउन क्या बनेगा, नाउन में नाउन किसे बताया था मैंने, तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर, ये रिदम बताई थी ना, ऐसे पता कर दीजिए, एडजेक्टिव में बता रहा हूँ, वैसे नाउन में करते हैं तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर, जिसने नहीं देखा जाके देखो, अभी फिर बता रहा हूँ फिर भी, तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर। अब कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की क्या नाउन बनेगी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट का नाउन क्या बनेगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इसकी नाउन बनेगी। अब कॉन्फिडेंस नाउन है या नहीं कैसे पता करा था मैंने, बताया था ना, क्या बताया था, तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, बोलने में सही लगा, तो कॉन्फिडेंस क्या है, नाउन है ना। मैंने ब्यूटीफुल लिखा था अभी एक एग्जांपल, तो ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है, तुम गुड़ो तुम बेड़ो तुम ब्यूटीफुल हो, बोलने में सही लगा, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। अब ब्यूटीफुल की नाउन क्या बनेगी, ब्यूटी सुंदरता है ना, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्यूटी यानी सुंदरता। अब ब्यूटी क्या है, नाउन है, अब कैसे पता करते हैं ब्यूटी को, कैसे पता करते हैं नाउन है, तो कैसे बताते हैं, तुम्हारा पेन तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी ब्यूटी, बोलते नहीं, तुम्हारा पेन तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव, तो कैसे पता करते हैं, तुम गुड़ो तुम बेड़ो तुम ब्यूटीफुल, बोलने में सही लगा, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया पहचानने का, एक सिंपल सा मेथड बताया मैंने, क्या तुम गुड़ो तुम बेड़ो। एक और मेथड है जो मैं ज्यादा यूज नहीं करता लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कभी कभी काम आ जाता है, वो क्या है स्टिकर मेथड। कौन सा मेथड, इसको लिखना हो लिख लो, स्टिकर मेथड। अब स्टिकर मेथड में क्या होता है, जैसे इसके नाम से लग रहा है स्टिकर, यानी स्टिकर लगेगा कहीं ना कहीं। और स्टिकर मेथड आपको पता है, मैंने डेफिनेशन बताया, आइडेंटिफिकेशन फिर बताया, नाउन एडजेक्टिव कहाँ पे लगता है, नाउन के जस्ट आगे, ये नाउन है नॉर्मली इसके जस्ट आगे एडजेक्टिव लगेगा। अब कोई सा भी वर्ड ले लो, अगर जैसे आपको गुड़ का पता करना है या बेड का पता करना है, तो उसको जस्ट नाउन के आगे लगा दो, क्या उसको जस्ट नाउन के आगे लगा दो, वो एक आगे जैसे गुड़ का पता करना था, ये नाउन ये एडजेक्टिव है या नहीं है, तो इसको जस्ट बॉय की मतलब नाउन के आगे लगा दो, ये बॉय है एक नाउन है, नाउन के जस्ट आगे लगा दिया मैंने एडजेक्टिव।
अब बोलो उसको गुड बॉय बोलते हैं ना, गुड बॉय बोलते हैं, बेड बॉय बोलते हैं, कॉन्फिडेंट गर्ल बोलते हैं, होनेस्ट मैन बोलते हैं, होनेस्ट वुमेन बोलते हैं, होनेस्ट बॉय बोलते हैं। तो बस स्टिकर मेथड में इतना सा ही है कि नाउन के जस्ट आगे लगा दो एडजेक्टिव को, जिसको पता करना उसको लगा दो, अगर बोलने में सही लगे, या पूरा मेथड बोलने का है, अगर बोलने में सही लगे तो जो वर्ड है एडजेक्टिव है। सिमिलरली यहाँ पर अगर बेड डाल दोगे तो बेड बेड बॉय बोलते हैं पता होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर बेड भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बस इतना सा ही है, आपको बस बोलना आना चाहिए, रिदम बनाना चाहिए। नाउन के लिए क्या थी, तुम्हारा पेन तुम्हारा रिश्ता, एडजेक्टिव लिए क्या है, तुम गुड़ो तुम बेड़ो। यार इतना इजी कौन पढ़ाएगा, इतने अच्छे से कौन बताएगा, इतनी सिंपल सी ट्रिक में नाउन एडजेक्टिव खत्म है पूरे। बस इतना पहचान आ जाए, कोई सर एग्जाम ये दिया होता है कि यहाँ पे फिर अंदर लेग्स में ये कहीं ना कहीं करेक्शन में आपको ये दिखाना होता है कि ये जो लिखा हुआ है एडजेक्टिव यहाँ पे, ये जो नाउन लिखी हुई है यहाँ पे, ये नाउन है या नहीं है, अगर है, अगर उसकी पोजिशन पे है तो सही है, एडजेक्टिव अगर एडजेक्टिव की पोजिशन पे है तो सही है, इतना ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया अपने, और साथ में एक और तरह के एडजेक्टिव होते हैं, वो बता देता हूँ आपको, वो थोड़े से डिफरेंट है, वो क्योंकि मैंने नाउन में जैसे बताया तो आगे लिंक है, जैसे ये जो एडजेक्टिव है ये वाले ये भी आगे जाके लिंक होएंगे। जैसे जो एक वर्ब होती है, कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इस ट्रांजिटिव वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, इस ट्रांजिटिव वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी एडजेक्टिव होती है। क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, या फिर जो नाउन के अंदर जो क्वालिटी है उसकी जानकारी देते हैं एडजेक्टिव, यही है ना। अब इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, एन एजुकेटेड बॉय, या फिर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, एन एजुकेटेड एजुकेटेड एजुकेटेड, ठीक है, एन एजुकेटेड बॉय या फिर बॉय, ठीक है। अब ये जो क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि जो एजुकेट जो वर्ब है ना, एजुकेट एजुकेट जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसके अगला वाला अपन ट्रांजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना, ये एजुकेटेड, ये क्या है, एडजेक्टिव होती है। अब एडजेक्टिव होती है तो एडजेक्टिव का काम भी तो करना चाहिए ना, लिख तो दिया, एडजेक्टिव काम कैसे कर रही है, जैसे मैंने बॉय लिया, बॉय क्या है, नाउन है। अब बॉय से क्वेश्चन पूछो, जैसे मैंने पहले बताया था हाउ से या कैसे से, कैसा बॉय, कैसा बॉय, कैसा बॉय, कैसा बॉय, एजुकेटेड बॉय। अगर कोई लड़का है, अगर वो एजुकेटेड है, उसके अंदर क्वालिटी है, पढ़ा लिखा है वो अंदर, तो उसकी जो जानकारी देगा कौन सा वर्ड देगा, एजुकेटेड वर्ड ही तो उसकी जानकारी देगा, कौन सा वर्ड देगा, और कोई वर्ड दे सकता है, नहीं दे सकता ना। इसको अगर स्टिकर मेथड से देख लो, एजुकेटेड लिखा, एजुकेटेड लिखा हुआ बॉय के आगे, तो भी एक एडजेक्टिव बन गया। या फिर ऐसे देख लो, ये स्टिकर मेथड से नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा, एस्टिकर लगाया यानी कि एडजेक्टिव लगाया है, तो भी एडजेक्टिव हो गया। या फिर ऐसे देख लो, नाउन के आगे नाउन की जो भी विशेषता बताए, जो भी वर्ड अगर उसकी नाउन के अंदर जो अगर क्वालिटी है उसकी अगर कोई विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी दे रहा है, कोई वर्ड जानकारी दे रहा है उस वर्ड उसकी क्वालिटी उसकी अगर कोई जानकारी दे रहा है, तो वो वर्ड भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यही वर्ड इस बॉय की जानकारी दे रहा है, अगर ये पढ़ा लिखा है तो एजुकेटेड वर्ड, इसके अंदर जो क्वालिटी है पढ़े लिखने की, एजुकेटेड वर्ड उसकी जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको एडजेक्टिव क्या होते हैं, तुम गुड़ो तुम बेड़ो, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर करके नाउन होती है। वर्क के लिए भी ऐसी मस्त वाली ट्रिक है, सब ये तो मजे में, उसके आगे अपन देखेंगे। एक्टिव सब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट देखेंगे, वो भी ऐसे ही एकदम आराम से, सब इस टीवी का ही खेल, इस टीवी को अपन बहुत अच्छे से देखेंगे, पूरा एक्टिव पैसिव ऐसे हो जाएंगे, है ना, पूरा मतलब पूरी इंग्लिश इस एक तो इस टीवी पे है और एक इस बी पे है, इन दोनों पे ही पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, ठीक है। जिनको अपन पता भी नहीं कि कितना खेलते हैं पूरी इंग्लिश में, तो इन सबको मैं समझाऊंगा आराम से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें यार, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, क्यों, क्योंकि ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, अगर वो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।